आरा में एक मूक बधिर महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेघटा गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने मूक बधिर महिला के साथ बंद कमरे में बलात्कार किया। वहीं आरोपी पर पीड़ित की मां और बहन के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा। इसका गांव का लड़का ही किया है। कितने लोग थे, क्या बता रहे थे? विशेष तो हमको जानकारी नहीं है। माए हैं उसको मेडिकल कराने के लिए, फिर भी इतना जानकारी है कि इसके साथ एक लड़का रेप किया है, और जब विरोध की है इसका बहन वहन तो मारपीट किया है। मारपीट में कई लोग हैं, तो चार आदमी के मारे हैं, पाँच आदमी को। चार पाँच आदमी। हमारे संवाददाता अटल बिहारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अटल, मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है, परिजनों के साथ मारपीट का भी आरोप है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जिस तरह से मूक बधिर जो महिला है और उसके साथ में वहाँ के जो दुष्कर्मी है, उन्होंने मूक उसके साथ दुष्कर्म किया है, और घर में यह मामला जो है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेघटा गांव पड़ता है। वहां पर जब यह महिला सोई हुई थी, सोई अवस्था में जो आरोपी है वो घर में घुसा, और घर में घुसने के बाद ही महिला के साथ गलत हरकत करने लगा। इसके बाद जो विरोध किया गया उसके परिजनों द्वारा, उसके माँ और बहन के द्वारा, फिर इसके बाद उसकी उससे भी कभी पिटाई की गई। लगातार उस पर दबाव भी दिया जा रहा है कि अगर तुम केस करोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तमाम तरह के उस पर दबाव भी डाला जा रहा है, लेकिन पुलिस भी अभी तक कुछ करने को तैयार कर नहीं पाई है और ना ही अभी आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। फिलहाल दो लोगों के भी नामजद आरोपियों को FIR किया गया है, और फिलहाल दोनों मौके फरार है बताया जा रहा है। जी अटल, धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस फिलहाल कामयाब नहीं हो पाई है, आरोपी फरार हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।